सत श्रीकाल दोस्तों, तो अज्ज की वीडियो अच्छी देखेंगे जो अपने ट्रांसफर के ऑर्डर आए हैं ई पंजाब के उन्होंने किमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने लिए आप सिंपली अपना जो परसनल लॉगिन है वह कर लेना है ई पंजाब से। अपना स्टाफ आई डी जो लॉगिन आप यूज़ किया ट्रांसफर अप्लाई करने के लिए सेम उस लॉगिन ही असं यूज़ करते हुए अपने ट्रांसफर के ऑर्डर जोड़े ने डाउनलोड कर लेने। सो डाउनलोड करने लिए अपना जो स्टाफ लॉगिन है उस यूजर नेम पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो लॉगिन जो है वो कर लवेंगे। तो दोस्तों एक बार आप करके दिखा भी दें। सो लॉगिन करने के बाद सब तो पहला तो असी जाना है अपलाई की ऑप्शन से। अपलाई की ऑप्शन से जाने के बाद असी उत्ते जी जितों असी ट्रांसफर अप्लाई की थी उससे ही नीचे ऑप्शन दी है डाउनलोड ट्रांसफर ऑर्डर की। आओ देखते हैं। सो मैं अपने अपलाई के बटन पर गया। अपलाई के बटन के नीचे दी हुई है ट्रांसफर की ऑप्शन के अंदर डाउनलोड ट्रांसफर ऑर्डर। सो इस नीचे दिए गए जो लिंक हैगा है उस उत्ते आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साढ़े को जो ऑर्डर ने उसकी जी कॉपी है वो ओपन हो जाएगी। तो आओ दोस्तों एक बार आप इतने करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि साढ़े को आते हैं ऑर्डर। सो मैं तुम्हें एक बार क्लिक करता है। मेरे थोड़ा जहा नैट जो है इस टाइम साइट बिजी होने करके थोड़ा जहा जो पेज है वो लोड होने थोड़ा टाइम लै रहा है। सो मैं कर दिता है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखते हाँ करते हैं थोड़ा जहा ना। सो मेरे पेज लोड हो रहा है और इस तरीके से चलो ये मेरे आ गए ने ऑर्डर्स। इन सब तो पहला स्टाफ आई डी नेम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जी है नेम तो डेजिग्नेशन है तो उस तो बाद किस स्कूल तो किस स्कूल जी ट्रांसफर है वो हुई हैगी है। सो इस तरीके मैं अपने जो ऑर्डर ने ट्रांसफर के वो जो डाउनलोड कर लेने उसका प्रिंट कट के रख सकता। सो दोस्तों उम्मीद है तुम्हें पता लग गया होगा कि अपने जो ट्रांसफर के ऑर्डर ने ई पंजाब किमें डाउनलोड करने हैं। अगर तुम्हें साड़ी जो वीडियो पसंद आई है साढ़े चैनल में सबसक्राइब करो शेयर करो दोस्तों। मिलते हैं नैक्सट वीडियो। धन्यवाद।